आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बैनर्जी। सबसे पहले बुलेटिन के मुख्य समाचार। स्वच्छ गंगा मिशन में मध्य प्रदेश के लिए जल मल प्रबंधन परियोजना को मिली मंजूरी। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना में बहनों के पंजीयन संख्या 1 करोड़ के पार। उप जिला निर्वाचन अधिकारी और निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी 10 दिन के अंदर करेंगे लंबित आवेदनों का निराकरण। प्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने की समीक्षा। और प्रदेश में गर्मी ने दिखाए तेवर। भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर और खजुराहो सहित 20 शहरों में पारा 40 के पार। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन ने करीब 638 करोड़ रुपए की लागत वाली 8 परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इनमें मध्य प्रदेश के लिए जल मल शोधन प्रबंधन परियोजना भी शामिल है। कल मिली स्वीकृति में बताया गया कि उत्तर प्रदेश के शामली जिले में प्रदूषण रोकथाम के लिए लगभग 407 करोड़ रुपए की लागत वाली 4 परियोजनाएं शामिल है, जिसका उद्देश्य यमुना की सहायक नदी हिंडन की सफाई करना है। प्रयागराज में 2025 में लगने वाले महाकुंभ की तैयारियों के साथ 7 घाटों के विकास वाली परियोजना को भी मंजूरी दी गई। इनमें दशाश्वमेध घाट, किला घाट, ज्ञान गंगा, आश्रम घाट और सरस्वती घाट शामिल हैं। वहीं बिहार और मध्य प्रदेश के लिए भी एक एक जल मल शोधन प्रबंधन परियोजना को मंजूरी मिली। मध्य प्रदेश से जुड़ी परियोजना के जरिए यमुना की सहायक नदी क्षिप्रा में दूषित जल के प्रवाह को रोका जा सकेगा। बिहार में परियोजना के जरिए गंगा की सहायक नदी क्यूल में प्रदूषित जल के प्रवाह को रोका जा सकेगा। प्रदेश में मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के तहत बहनों की पंजीयन संख्या 1 करोड़ से ज्यादा हो गई है। पिछले 25 मार्च से शुरू हुई पंजीयन प्रक्रिया में अब तक 1,78,000 महिलाओं ने अपना पंजीयन कराया है। इसमें भोपाल संभाग में 10,75,000, चंबल में 5,80,000, ग्वालियर में 9,09,000 और इंदौर संभाग में 16,60,000 से अधिक पंजीयन संख्या हो गई है। जबलपुर में 17,79,000 और सागर संभाग में 10,95,000 से अधिक बहनों ने अपना पंजीयन कराया है। पंजीयन प्रक्रिया में प्रत्येक आवेदक का EKYC अनिवार्य किया गया है। योजना में प्राप्त आवेदनों का मई में परीक्षण होगा और 10 जून से पात्र हितग्राही बहनों के खातों में 1,000 रूपये पहुंचना शुरू हो जाएंगे। पंजीयन की आखिरी तारीख 30 अप्रैल रखी गई है। अब सुनिए आकाशवाणी के लोकप्रिय कार्यक्रम प्रधानमंत्री की मन की बात पर आधारित विशेष श्रृंखला। आज की कड़ी का विषय है ज्ञान का यज्ञ। इस विशेष कार्यक्रम की 70वीं कड़ी में पेश है प्रधानमंत्री के वो विचार, जिसमें उन्होंने तमिलनाडु के एक सामान्य से व्यक्ति की जानकारी देश से साझा की, जो अपने निजी खर्च से चला रहे हैं ज्ञान का यज्ञ। तमिलनाडु के तूतीकोरन में बाल बनाने की दुकान चलाने वाले ये है पोन मरियप्पन। मरियप्पन के पास बड़ा साधन नहीं है, लेकिन वे अपने सीमित साधन में ही चला रहे हैं पुस्तकालय। पोन के इस योगदान को प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम में विशेष रूप से 25 अक्टूबर 2020 को प्रसारित कार्यक्रम में याद किया। मेरे प्यारे देशवासियों, कहा जाता है लर्निंग इज ग्रोइंग। आज मन की बात में मैं आपका परिचय एक ऐसे व्यक्ति से कराऊंगा जिसमें एक अनोखा जुनून है। यह जुनून है दूसरों के साथ रीडिंग और लर्निंग की खुशियों को बांटने का। यह है पोन मरियप्पन। पोन मरियप्पन तमिलनाडु के तूतुकुड़ी में रहते हैं। तूतुकुड़ी को पर्ल सिटी यानी मोतियों के शहर के रूप में भी जाना जाता है। यह कभी पांडियन साम्राज्य का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। यहाँ रहने वाले मेरे दोस्त पोन मरियप्पन हेयर कटिंग के पेशे से जुड़े हैं और एक सैलून चलाते हैं। बस छोटा सा सैलून है। उन्होंने एक अनोखा और प्रेरणादायी काम किया है। अपने सैलून के एक हिस्से को ही पुस्तकालय बना दिया है। वर्ष 2020 में मन की बात के एक एपिसोड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के अतुल पाटीदार द्वारा बनाए गए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म फार्म कार्ट का जिक्र किया, जिसमें किसानों को ऑनलाइन जोड़कर उन तक बीज, खाद आदि पहुंचाया जाता है। अतुल पाटीदार ने मन की बात के 100वें एपिसोड पूरे होने के उपलक्ष्य में आकाशवाणी से अपने विचार साझा किए। 2020 में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने फार्म कार्ड को इनोवेशन के लिए रिकॉग्नाइज करते हुए मन की बात में हमारा प्रोत्साहन किया था। फार्म कार्ड ने हजारों किसानों को ऑनलाइन ऐप के माध्यम से घर तक सीड्स, पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स पहुँचाए हैं।
मैं मन की बात का आभारी हूँ। मन की बात से फार्मकार्ड जैसे कई स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन मिला है और कई नई अपॉर्चुनिटीज के लिए रास्ते भी खुले हैं। मन की बात कार्यक्रम सभी नए आइडियाज और स्टार्टअप के लिए एक बहुत लाभदायक प्लेटफॉर्म है। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक पर एआईआर न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर या एआईआर न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। प्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने निर्वाचक नामावली के शुद्धिकरण को लेकर कल उप जिला निर्वाचन अधिकारियों और निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों से कहा कि निर्वाचन से संबंधित शिकायतों का निराकरण 10 दिन के अंदर करें। ऑनलाइन हुई इस बैठक में प्रदेश के सभी 52 जिलों के उप जिला निर्वाचन अधिकारी और 230 विधानसभा क्षेत्रों के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी शामिल हुए। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने मतदाता सूची में नाम जोड़ने, मृत मतदाताओं के नाम हटाने और वोटर आईडी कार्ड में संशोधन के लिए लगने वाले फॉर्म के लंबित चल रहे आवेदनों की भी समीक्षा की। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज हरदा जिले के रहट गांव में मुख्यमंत्री लाडली बहना सम्मेलन में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री बहनों को लाडली बहना सहित महिला सशक्तिकरण के लिए संचालित योजनाओं की जानकारी देंगे। प्रदेश में 13 मई को होने जा रही नेशनल लोक अदालत में संपत्ति कर, जल कर, उपभोक्ता प्रभार और अन्य करों के अभिभार में छूट दी जाएगी। संपत्ति कर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर और अधिभार की राशि 50,000 रूपये तक बकाया है, उनमें मात्र अधिभार में 100% तक की छूट दी जाएगी। बात करेंगे मौसम की। हल्की बूंदाबांदी और तेज हवाओं के बाद प्रदेश में गर्मी ने फिर तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर समेत प्रदेश के 20 शहरों में पारे में उछाल आया। भोपाल में कल पारा 40 डिग्री के पार पहुंचा। ग्वालियर में भी सीजन का सबसे गर्म दिन रहा, तो इंदौर, जबलपुर के लोग भी तेज गर्मी से परेशान नजर आए। उधर खजुराहो और राजगढ़ देश के 7वें और 9वें सबसे गर्म शहर रहे। दोनों जगह पारा 43.2 डिग्री पर पहुंचा। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि आसमान साफ होने की वजह से गर्मी का असर बढ़ गया है। हालांकि विभाग ने आज से फिर से मौसम बदलने का अनुमान जताया है। इससे हल्की बूंदाबांदी और आंधी चलने की संभावना है। कल भी राजधानी भोपाल समेत कुछ और क्षेत्रों में बूंदाबांदी हुई। अब कुछ समाचार संक्षेप में। राज्य शासन ने ट्रांसजेंडर समुदाय को मध्य प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग की सूची में शामिल किया है। राज्य विधानसभा परिसर में भारत रत्न डॉ भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण आज स्पीकर गिरीश गौतम और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की मौजूदगी में होने जा रहा है। शिवपुरी के सेसई सड़क के पास कल एक भूसा फैक्ट्री में अचानक आग लग गई। इस आग में लाखों रूपये का भूसा जलकर राख हो गया। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग रीवा के कार्यपालन यंत्री ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में हैंडपंप की मरम्मत, पेयजल व्यवस्था के सुचारू संचालन के लिए नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना सहित अन्य जनकल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में लापरवाही और उदासीनता बरतने पर जिला पंचायत सीईओ अंजू पवन भदौरिया ने बेगमगंज जनपद की ग्राम पंचायत शाहपुर सुल्तानपुर के पंचायत सचिव को निलंबित कर दिया है। मुरैना जनसुनवाई के दौरान 90 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 10 आवेदनों को उत्तरा पोर्टल पर दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं। सतना जिले के अंतर्गत घटित होने वाली अग्नि दुर्घटनाओं के नियंत्रण, पीड़ितों से समन्वय और तत्काल राहत बचाव कार्य की कार्रवाई के लिए जिला, जनपद, नगरीय निकाय और अनुविभागीय स्तर पर दल गठित किए गए हैं। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। स्वच्छ गंगा मिशन में मध्य प्रदेश के लिए जल मल प्रबंधन परियोजना को मिली मंजूरी। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की बहनों के पंजीयन की संख्या 1 करोड़ के पार। उप जिला निर्वाचन अधिकारी और निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी 10 दिन के अंदर करेंगे लंबित आवेदनों का निराकरण। मध्य प्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने की समीक्षा। और प्रदेश में गर्मी ने दिखाए तेवर। भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर और खजुराहो सहित 20 शहरों में पारा 40 के पार। बुलेटिन में इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।